जरूरत नहीं है। मेन हमारा शॉट हमें ये याद रखना है कौन कौन से हमारे काम आने वाले हैं एज एक्टर, ठीक है। ये आपको नाम सुनने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको नाम कोई मिलेगा नहीं, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या आता है, क्लोजअप 1, 2, 3। एक में इसलिए करवाया कि है तो बहुत सारे, बट क्लोजअप 1 में क्या हमारा इतना फेस आएगा, ठीक है, 2 में इतना, 3 में इतना, वो डायरेक्टर के ऊपर। डायरेक्टर बोल ले क्लोजअप ले रहा हूँ, बात खत्म आपके ऊपर, ठीक है। आप समझ जाओ क्लोजअप, आप आइए। ठीक है, इधर देखिए, इधर सबको देखिए। अभी क्या है, इनका मुझे क्लोजअप लेना है, ठीक है। मैंने इनको बोला, डायरेक्टर ने बोला कि मैम आपका हम लोग क्लोजअप लेने वाले हैं, ठीक है। तो क्लोजअप लेने वाले हैं तो इनको क्या करना होगा, सिर्फ मेकअप पे ध्यान देना होगा और इस कॉस्ट्यूम पे ध्यान देना होगा। अब पता लगा डायरेक्टर ने बोला हम क्लोजअप लेने वाले हैं और ये गए, हाँ ठीक है आप क्लोजअप लेने, सर मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। अब ये जो है आराम से अपने जो है हाई हील्स पहन के आ रही हैं, उसके बाद जो है प्रेस कर रहे हैं सब पूरा प्रॉपर, ठीक है, टाइम वेस्ट कर रही हैं। जबकि डायरेक्टर को इतना लेना था इनका फेस, बहुत वही टी शर्ट लेने वाले थे। अगर ये इतना पहन के आ भी जाते मैम आपके सारे शॉट तो गए, बट एक क्लोजअप और लेना है डायरेक्टर को। तो आप क्या करेंगे भाई, टाइम कम होता है शूटिंग पे, तो आपको एक समझदार एक्टर की तरह, अरे क्लोजअप लेने वाले ना, ठीक है मैं ऊपर का पहन लेती हूँ, नीचे कुछ भी चलेगा, ठीक है। फिर आपने रेडी हुआ, पहुँच गए अपना लुक लेके, उसने क्लोजअप लिया, उससे क्या दिखेगा कि एक आप स्मार्ट एक्टर हैं ना, आपको पता है क्या होता है। नहीं तो आप मतलब क्लोजअप बोल रखा, आप 1 घंटा तैयार हो रहे हैं, ठीक है, सैंडल ठीक कर रहे हैं, अपने आपको देख रहे हैं कहाँ ठीक है, पैर ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ना, जींस पहन रहे हैं जो आपने पहनी थी चेंज कर रहे हैं, तो टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई, क्लोजअप मेरा फेस ही आने वाला है, तो पहले मुझे फेस पे ध्यान देना है, क्योंकि मेरा फेस का एकदम क्लोजअप लेंगे वो, हर एक चीज़ दिखाई देगी। तो मैं मेकअप पे अपना टाइम वेस्ट करूँ ना कि नीचे सामान पे सैंडल ढूंढ रही हूँ, ये ढूंढ रही हूँ, वो ढूंढ रही हूँ ना, जो भी आपका उसको बोल रहे हो, ड्रेसर को बुलाया भाई इसको प्रेस कर फिर से चाहिए मेरे को शॉट में, तो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उस टाइम को आपको कहाँ करना है, अपने मेकअप पे। मैं मेकअप वाले को बुला लो, एक बार मेकअप कर लेती हूँ, हेयर देख लो मेरे ठीक है परफेक्ट है, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्लोजअप 1, 2, 3 ये आपका हेडक नहीं है, वो डायरेक्टर का हेडक है, उसको इतना लेना है, इतना लेना है, इतना लेना है, कहाँ लेना है, हमें टेंशन नहीं लेना उसके लिए। मीडियम शॉट में, ठीक है, यहाँ था, ठीक है, मिड मीडियम में दोनों वही है, वो डायरेक्टर के ऊपर, उसने बोल दिया मिड ले रहे हैं या मीडियम ले रहे हैं। मीडियम लॉन्ग शॉट में क्या हो, थोड़ा नीचे भी सकता है, ठीक है, बट मिड शॉट में आपको पता है कि यहाँ लेगा या तो यहाँ लेगा, इसके ऊपर नहीं जाने वाला है वो, ठीक है। मीडियम शॉट हो गया, मीडियम फुल शॉट में क्या होगा, पूरी बॉडी लेगा, मैं दिखा दूँ आप लोग को, ठीक है। अब वो मीडियम शॉट फुल शॉट में क्या लेगा, ये रहेगा, ठीक है, वो पूरा इनकी बॉडी लेगा। तो इनके सब कुछ इनको पहन के आना है वहाँ पे। जैसे डायरेक्टर से आपका फुल शॉट लेना है मेरे को, तो आपको पता होना चाहिए भाई फुल शॉट लेने वाला है, यानी मेरी पूरी बॉडी दिखने वाली है, तो मेरे को हर चीज़ तैयार करनी है, ठीक है। जो भी चीज़ मैंने पहनी थी वो सब पहननी है, घड़ी पहननी है, चीज़ें पहननी है, सब कुछ प्रॉपर रेडी होकर जाना है मुझे अपने करेक्टर में, तब मुझे वहाँ पे जाना है, ठीक है। तो ये फुल शॉट ना पूरा ऐसे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, वाइड शॉट। वाइड शॉट क्या है, जैसे आप लोग वहाँ से दिख रहे हैं ना, तो पूरा दिख रहा है ना, मैं दिख रहा हूँ, ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये लाइट दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है। बट क्लोजअप में क्या था, सिर्फ ये दिख रहे थे, ठीक है, बट वाइड में सब कुछ दिखाई देगा आपको प्रॉपर। मैं भी दिखूंगा, इनके साथ जो एक्टर खड़े होंगे वो भी दिखेंगे, ये नहीं दिख रहे मैं यहाँ पे एक्टिंग कर रहा हूँ उनके साथ, तो मैं भी दिख रहा हूँ, और को एक्टर हैं वो भी दिख रहे हैं, पूरा एक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले जो शॉट लगता है वो लगता है वाइड शॉट, आपको ऐसे डायलॉग मिलते हैं ना, वो पूरा पहले आपको रेडी करना होता है, पहले आपको पहले वाइड शॉट में परफॉर्म करनी होती है चीज़ें पूरा, जो भी आपका सीन रहेगा। मान लो सीन यहाँ पे है, ये हम लोग की लड़ाई हो रही है यहाँ पे, ठीक है, फैमिली पूरी खड़ी है, तो वो पूरा एक ही बार में एक टेक में ख़त्म होगा, उसके बाद क्लोजअप कटेंगे। पहले वाइड में पूरा काम खत्म कर देना है, सारे सीन बोल देने हैं, जब पूरा सीन खत्म हो जाएगा फिर होगा डायरेक्ट, हाँ सर बेस्ट था, अब हमें सब क्लोजअप लेने हैं सबके, फिर वैसे ही सीन आपको फिर से बोल लोगे, उसी इमोशन में, वैसे ही गुस्सा, सब कुछ वैसे ही रहेगा, कुछ अलग से नहीं रहेगा। तो वैसे ही आपको पूरा प्रॉपर करना होगा, फिर आपको क्लोजअप कटेंगे, फिर आपका मिड शॉट, वाइड शॉट, जो भी उसको लेना होगा वो लेगा अपना, बट पहले वाइड में सब कुछ होगा, ठीक है। अब आता हमारे क्या, सिंगल शॉट, टू शॉट, थ्री शॉट, ठीक है। अब सिंगल शॉट में क्या था, सिंगल ये खड़े हैं, सिंगल ले लिया इनको, अगर दो लोग खड़े हैं तो दो लोग को ले लिया हमने, यहाँ पे तीन लोग खड़े हैं तीन लोग हो गए, ये आपको समझना है, ठीक है। ये बहुत कम बोलेंगे टू शॉट है थ्री शॉट, लेकिन आपको पता होना चाहिए चीज़ें, ठीक है, ठीक है। हाई एंगल, हाई एंगल क्या है, हाँ ऊपर से, अब हाई एंगल कुछ भी ले सकता है डायरेक्टर, वो बोल दे मैं हाई एंगल लेना है मेरे को, बात खत्म, ठीक है। तो भाई हाई एंगल लेना, तो वो चाहे यहाँ पे कैमरा लगाए, चाहे सीसीटीवी कैमरा दिख रहा है, चाहे वहाँ कैमरा लगा हो, कहीं भी लगाओ, कैमरा आपके ऊपर रहेगा, तो आपको कैमरा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको अपना काम करते रहना, एक्टिंग करती रहनी है, कैमरा कहाँ पे कोई मतलब नहीं शूटिंग पे, आपको शूटिंग पे आपको कोई मतलब नहीं कैमरे से, कैमरा उसमें चाहे यहाँ लगाओ चाहे वहाँ लगाओ, हमें नहीं पता,
हमारा हाई एंगल ले रहा है, ऊपर से दिखाना चाहता है वो कुछ, ठीक है, ख़त्म हमारे काम। अब क्या है, शोल्डर शॉट, ठीक है, आप आइए, आप नहीं, आप भी रहिए, ठीक है, आप इधर आइए, इनसे बात करिए, आप कुछ बोलिए इनको डायलॉग, लाउड बोलिए कि एक्टर हो आप लोग, कैसे एक्टिंग करोगे, जब भी मौका मिलता है बोलने का, लाउड बोलने का। आप कहाँ से हैं? मैं तो दिल्ली से हूँ, बट मैं मुंबई में हूँ। ओके, कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से। ओके, एज क्या है आपका? मेरा 24। ठीक है, बस आप देखिए शोल्डर शॉट में ऐसा शॉट रहेंगे, ठीक है, जब जो बोलेगा उसके ऊपर रहेगा कैमरा, ठीक है, अब जब ये बोल रही थी तो कैमरा इनके पीछे रहेगा, जब ये बोलेंगे तो कैमरा इनके पीछे जाएगा, शोल्डर के पीछे जाएगा, ठीक है, समझ गए आप लोग? फिर ये होने के बाद फिर से होगा, फिर रिएक्शन ले जाएंगे फेस के, कल बताया रिएक्शन जरूरी होता है, जब उन्हें ये बात बोलते उनका क्लोजअप ले जाएगा, उस बात पर रिएक्शन का क्या आया, ठीक है, वो चीज़ें होंगी। उसके बाद आपको ध्यान देना है, बड़े बड़े एक्टर शाहरुख खान सलमान खान जितने भी सुपर स्टार लोग हैं वो शोल्डर शॉट नहीं देते, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। आप लोग अभी सलमान का डुप्लीकेट चाहिए होता है कहीं पे, शाहरुख खान का डुप्लीकेट क्यों चाहिए होता है इसी काम के लिए, उनके पास टाइम नहीं है भाई, शोल्डर आने वाला किसी का दिखा दो तो मैं थोड़ा दिखने वाला हूँ, समझ रहे बात को आप? तो उनका जो डुप्लीकेट है वो शोल्डर शॉट देता है, जब उनके डायलॉग बोलने वो अपना दे देंगे इनके साथ, एक टेक में दिया चले गए वैनिटी में बैठ गए, अब उसके बाद ये 10 टेक लें 50 टेक लें उनसे मतलब नहीं है, उनका डुप्लीकेट आएगा खड़ा हो जाएगा सेम कपड़े पहन के और फिर सुनेगा कैमरा पीछे लगा है, कान आ रहा है शोल्डर आ रहा है, इसलिए डुप्लीकेट की जरूरत पड़ती है शूटिंग। शाहरुख का डुप्लीकेट है, सलमान का डुप्लीकेट है, सबको डुप्लीकेट होता है ना, उन्होंने उनको पाल रखा होता है पैसे धोके, उनको सैलरी देते हैं भाई तू मेरे यहीं पर रहे, ठीक है, सलमान खान का, सलमान खान का है तो उसके भी जिम करता है, शाहरुख खान के भी एक दो डुप्लीकेट हैं जो रहते हैं, स्टंट करना हुआ कुछ भी करना हुआ उसको बॉडी डबल बोलते हैं, ठीक है, तो वही लोग करते हैं, ठीक है, अभी कूदना या भागना है तो भागते वक्त भाई पीछे का दिखने वाला है, ठीक है, तो शाहरुख खान को भागेगा, उससे क्लोजअप ले लेंगे एक दो आगे से भाग रहा है बस, वो बात ख़त्म, काम भर का, फिर भागे वो भागते हैं, काम करे जो करना है वो करे, आधे ज़्यादा शूटिंग तो उनके जो है डुप्लीकेट करते हैं जो बड़े बड़े सुपर स्टार हैं, समझ रहे ना, वो कुछ नहीं करते हैं, वो सब जहाँ उनका फेस दिखना होगा वहाँ बोलेंगे चले आएंगे बात ख़त्म, ठीक है, जहाँ गिरना है पड़ना है स्टंट करना है मार खानी है जो भी करना है वो सब करते हैं पूरा, ठीक, वो सिर्फ रिएक्शन देंगे। अब यहीं पे काम आता है रिएक्शन का, उन्हें गिरने का सीन था वो गिर गया बंदा डुप्लीकेट वाला, उसने सिर्फ रिएक्शन दिया गिरने का, ऐसे किया बाकी गिर दूसरा कोई रहा है, समझे ना, तो सिर्फ ऐसे रिएक्शन देके चले जाते हैं, ठीक है। अब आया हमारा हाई एंगल हो गया, शोल्डर हो गया, ओवर द शोल्डर, ठीक है, चलिए ओवर द शोल्डर लेंगे, फिर से बात करिए आप लोग, एक्टर हैं आप लोग थोड़ा एक्टिव रहिए, जब भी आपको मौका मिलता है स्टेज बोलना लाउड बोलना है आपको कि वहाँ तक आपकी आवाज़ जाए, ठीक है, फिर से ठीक है बस, ठीक है, ओवर द शोल्डर में क्या रहेगा, कैमरा थोड़ा ऊपर रहेगा, अभी क्या था कैमरा इनके पीछे, अभी आप उधर रहिए, जब आपके शूट होगा तो कैमरा एकदम पीछे यहाँ रहेगा आपके, ठीक है, आप इधर आइए, आप उधर देखिए, आप उधर देखिए, आप इधर आइए, हाँ कोई भी इधर रह जाओ, ठीक है, आप इनको देखिए, ये आप इधर आइए, आप इधर आइए, ये ठीक है, इधर से रहिए। अब क्या रहता है पता है आप लोग को, जब आप शोल्डर शॉट आपके पास रहेगा कैमरा, याद रखिए जब भी कैमरा आपके पास रहेगा आपका शोल्डर शॉट लग रहा होगा तो आपको मूवमेंट नहीं करना है, नए लोग यही गलती करते हैं, उनको मिल गया उनको पता ही नहीं है, अब भाई तुम्हारा शोल्डर लग रहा है कैमरा यहाँ पे रखा हुआ है तुम थोड़ा सा भी, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, अब डायलॉग बोलिए आप, ये कैमरा एंगल लगा हुआ है, ठीक है, आप बोलिए, आप गुस्सा करना है आपको उनके ऊपर, क्या करिए आप, क्या कर रही हूँ, क्या तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, मैं पहले से आई हूँ, ठीक है, मैं तुमसे पहले आई थी यहाँ पे। अब देखिए अब हम उनका शोल्डर शॉट ले रहे हैं ना, आपको तो ले नहीं रहे हैं बट आपका ये दिख रहा है, देखिए आपने गलती क्या की है, इसमें सब लोग गलती यही करते हैं, मुझे उनका फेस चाहिए था बट आपने उनका फेस कवर कर लिया, समझे आप लोग, कैमरा आपके पीछे रहेगा आपको लगेगा सर मैंने क्या गलती की, मेरी तो कोई गलती नहीं होती, एक्टिंग कर रही थी बट शूटिंग खराब कट हो जाएगा, ठीक है, आपको जब करना है ना, जब भी आपका शोल्डर शॉट रहेगा तो आपको ध्यान देना है भाई कैमरा मेरे पीछे यहाँ रखा हुआ है, अगर मैं थोड़ा सा इधर आऊँगा तो मेरी गर्दन आ जाएगी पूरी, पूरा शॉट सीन खराब हो जाएगा, तो मुझे हिलना नहीं है, मैं डायलॉग बोलूँगी सब कुछ करूँगी बट स्टिल रहूँगी वहाँ पे, हैंड मूवमेंट करो सब चलेगा लेकिन आपका सिर नहीं हिलना चाहिए वो स्टिल होना चाहिए, ये गलती सब लोग करते हैं, तो ये आप लोग को ध्यान देना है, जब आप जाएंगे शूट पे आपका शोल्डर शॉट लगेगा तो आपको ध्यान देना भाई, शोल्डर शॉट में सर ने बताया था कि यहाँ पे कैमरा रहेगा पीछे
चाहे थोड़ा आगे रहे चाहे पीछे रहे, लेकिन अगर दूर भी कैमरा रखा होगा ना तो उसने एकदम टाइट क्लोजअप लिया होगा आपका। अगर कैमरा दूर भी है अभी नहीं, अरे सर ने कहा था कैमरा जब पास रहेगा तभी ये दिक्कत आएगी, कैमरा से दूर है उसका तो मैं हिल सकता हूँ, ऐसा नहीं है। वो कैमरा क्या करेगा, वो दूर रखेगा बट ये ऐसा करके रखेगा, समझ रहे हैं आप, प्रॉपर ऐसे रखेगा। तो आप थोड़ा सा भी हिलेंगे, आप इतना का क्लोजअप उसका लगा हुआ है, इनकी मुंडी का थोड़ी सी भी ऐसे आ जाएगी तो गई, खाली इन्होंने इसका फेस, सीन खराब हो गया। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो आप खराब हो गया पूरा सीन, समझ रहे हैं ना आप बात को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, शोल्डर शॉट के टाइम पे आपको ध्यान देना है कि भाई मेरे को हिलना नहीं है, जब इनका आएगा सीन आएगा, जब इनका आएगा तो आपको भी ये ध्यान देना है कि मेरे को भी हिलना है। आप डायलॉग बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, सारा काम करेंगे, सिर्फ आप हिलेंगे, अपनी जगह पे स्टिल होकर बोलेंगे, सब हाथ हिलाओ, बॉडी हिलाओ, कोई दिक्कत नहीं, इतना हिल रहा है सब चलेगा, बट मेरा जहाँ पे ये गर्दन है ये ऐसे है कि ऐसी है, ठीक है, मैं हाथ हिला रही हूँ, सब कुछ करो, मेरी उंगली आएगी थोड़ा चलेगा अगर है तो, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरा हाथ आ रहा है तो यहाँ पे हाथ आ रहा है। ठीक है, दिखाता हूँ, आप करिए, इनको वार्निंग देना इस हाथ से, ठीक है, चलिए। हाँ, तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो मेरे साथ, ऐसा नहीं, कैसा फिर बोल से सकती? फिर से दीजिए, पहले बोल रही थी, फिर से तुम ऐसे बात नहीं कर सकती हो मेरे साथ। क्यों नहीं कर सकती, अब फोर्स करूंगी मैं, तुम मेरे हस्बैंड के साथ चीट कर रही हो। ठीक है, अब देखिए, अब ये किया आपने, ठीक है, अब ये चलेगा, देखिए अब ये चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर इन्होंने यही हाथ इनके ज़्यादा ऊपर किया होता, ठीक है, अभी आप हाथ यहाँ पे करिए, अब ऐसे करते करिए हाथ तो ख़राब हो जाएगा शॉट, ठीक है, करिए पूरा ऊपर करिए, फेस दीजिए, हाथ दीजिए, बोलिए, हाथ दिखा के करिए, क्या किया है तुमने, क्या किया है, ये यहाँ पर रहेगा, यहाँ यहाँ, हाँ, कहाँ पर है वो, कांप क्यों रहे हैं आप, ठीक है, बोलिए, ये क्या कर रही है आप, क्या कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ, जहाँ खड़ी हूँ मैं इधर ऊपर क्या रही हूँ, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें। ठीक है, अब देखिए, अब ये गलती करते हैं आप लोग को उस समय समझ में नहीं आता है, लेकिन आप परेशान होते हैं क्या हो रहा है, गलती, अब इन्होंने हाथ यहाँ पर रख दिया ना, अब ऐसे उन्होंने एक्टिंग की, ठीक है भाई, हमें तो इनका चाहिए था ना फेस, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है भाई, अगर शोल्डर शॉट मेरा इधर का लगा हुआ है तो मुझे इस हाथ को इतना ऊपर नहीं उठाना है कि दूसरे बंदे का पूरा सर कवर हो जाए फेस, मुझे उतना ही करना है, इतना करूँगे, इतना करूँगे, इतना करूँगे, ठीक है, जिससे मेरे शोल्डर लेवल पे रहना चाहिए आपका, ये क्या आ रहेगा, शोल्डर लेवल पे, इसके ऊपर गया तो आप खराब, इनका आप खा गए, ठीक है, अगर आपको भी लगता है कि आप स्मार्ट एक्टर हैं, ठीक है, अभी आपने मुझे ऐसे करिए, ठीक है, करिए जैसे इनको कहता आपने, ठीक है, अब आप स्मार्ट एक्टर हैं तो आपको समझ जाना है, अरे यार गलती करिए, आपको हाथ नीचे करिए, आप वहाँ इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी कट होने वाला है, ठीक है, तो वहाँ इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, ये उंगली मुझे मत दिखाओ तो समझ जाएगा भाई बंदी ने पकड़ लिया, फिर अपने डायलॉग आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि पता है कि फेस कवर कर रही है मेरा, मेरा एक क्लोजअप लग रहा है मेरे सब, तो मेरे फेस पे हाथ रख रही है तो मतलब क्या हुआ, ठीक है,